हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जे आर एफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपके एजुकेटर फॉर सी एस आई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सी एस आई आर नेट, अगर बच्चे कुछ इंटरेस्टेड हैं, वो देना चाहते हैं और कन्फ्यूजन में हैं कि प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और किस तरह से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए सी एस आई आर नेट के लिए। सो इन सब क्वेश्चंस के अगर आपको भी जवाब चाहिए, सो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस के अच्छी तरह से जवाब देने की कि सी एस आई आर नेट की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों देना चाहिए और अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो किस तरह से प्रिपरेशन इसकी हम करें। सबसे पहली बात, अगर आप एमएससी प्रीवियस में हैं या एमएससी फाइनल के अंदर हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा अगर आप ये एग्जाम दें, आपके करियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और अब जब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी जॉब्स ग्रैब करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशंस में आप लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप अब सी एस आई नेट का एग्ज़ाम दें। क्योंकि सी एस आई आर नेट के थ्रू ही अब पीएचडी के अंदर एडमिशन होने वाला है, जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर इसी साल से ये नया रूल आया है जून 2024 से कि आपका जो पीएचडी के अंदर एडमिशन होगा वो सी एस आई आर नेट एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा। दूसरी बात, अगर आप इसके अलावा अगर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जिसके लिए सी एस आई आर नेट का ही एग्ज़ाम आपको देना होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्यों और क्या क्या रीजंस हैं क्यों प्रिपेयर करें सी एस आई नेट एग्जाम के लिए। पहली बात, अगर आप एक अच्छा अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, अगर आप प्रोफेसरशिप के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसके थ्रू आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पा सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन टीचिंग के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, जिससे आपका काफ़ी अच्छा करियर, एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए है। सेकेंड ऑप्शन, ये आपको इसलिए देना चाहिए बिकॉज पीएचडी अगर आप कहीं से भी करना चाहते हैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, ठीक है, जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के अंदर जो पीएचडी के अंदर एडमिशन है वो अब सी एस आई आर नेट के थ्रू ही होने वाला है। दिस इज़ अनदर रीज़न जिसके लिए आपको सी एस आई नेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। थर्ड, मैं आपसे कहूँगी कि जब आप सी एस आई आर नेट जे आर एफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा स्टाइफन मिलता है, जो आपको जब आप अपना पीएचडी कर रहे होंगे उस टाइम पे एक अच्छा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे देता है। काफ़ी टाइम तक आप इंडिपेंडेंटली और अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं, अपना रिसर्च वर्क आराम से कर सकते हैं। 5 ईयर्स के लिए ऑलमोस्ट आपको ये फेलोशिप मिलती है, जिसके अंदर स्टार्टिंग ईयर में 37,000 आपको फेलोशिप मिलती है, उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। ओवरऑल एक अच्छा एक अमाउंट हो जाता है आपका कुछ टाइम निकालने के लिए। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो घर वालों की भी हेल्प कर सकते हैं। ये एक बच्चे का माइंडसेट रहता है कि एमएससी कर लिए उसके बाद में कोई जॉब देखें, बिकॉज वो घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का एक्सपेंसेस खुद उठाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए कि आप हायर एजुकेशन अपना पीएचडी भी कर रहे हैं और साथ साथ में आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, आपको वो टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 ईयर्स के लिए आपको पूरा फेलोशिप दिया जाता है, जिसके अंदर शुरू के 2 साल जेआरएफ मिलता है और बाद में 3 साल तक एसआरएफ मिलता है। और एसआरएफ का अमाउंट भी अभी 45,000 के आसपास हो गया है, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, और उसके साथ में एचआरए अलग से दिया जाता है आपको। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक इस स्टेज पे आके जो बच्चे को चाहिए होता है। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इसका। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब आप पीएचडी ड्यूरेशन में कुछ अपने जो पेपर्स पब्लिश कराते हैं, ठीक है, सबसे पहले जब आप पेपर्स पब्लिश कराते हैं, जब आप पेपर्स पब्लिश कराने के लिए जर्नल्स को ढूंढते हैं, ठीक है, उसके साथ में जब आप कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर जाते हैं, ये सबसे आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी सारे लोगों से आपको मिलने का चांस मिलता है और इन लोगों से बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हैं। एक बहुत ही ब्रॉड
एरिया आप लोगों के लिए ओपन हो जाता है, जहां आपको काफ़ी सारी और चीज़ें एस्पेक्ट समझ में आते हैं, काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस और समझ में आते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी फील्ड अच्छी हैं, किसके अंदर जाया जा सकता है, और लोगों से मिलके आपकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग बन जाती है, जिससे कि आप अपने करियर के बारे में एक बहुत ब्रॉड सेंस के अंदर सोच सकते हैं, जिसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है, और साथ ही में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, कौन सी फील्ड के अंदर ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, सो वो जो फील्ड है आप सिलेक्ट करके और अच्छी कंपनीज के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सेमिनार्स में जब आप जाते हैं या कॉन्फ्रेंसेज में आप जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी हाई एंड प्रोफेशनल्स हैं वो आपको वहाँ मिलते हैं, सो उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपने एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हैं, उनसे डिस्कस करके और अपना जो करियर है उसके अंदर अगर कोई स्कोप बने तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। सो ये काफ़ी एक अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अगर आप अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं तो इट कैन इम्प्रेस अदर्स कि भाई आपके अंदर कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है, और आपको लोग हो सकता है मौका मिले आपको किसी अच्छे रिसर्च लैब में आगे काम करने का, या फिर आपका जो फाइनली जो जॉब ऑफर है वो आपको वहाँ से मिल जाए, सो इस तरह के भी स्कोप्स वहाँ से क्रिएट हो जाते हैं। सो सीएसआईआर नेट की एग्जाम के थ्रू आप इन फील्ड्स के अंदर जब जाते हैं तो एक काफ़ी वाइडर एस्पेक्ट है जो खुलता है ना, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली डिपेंड करती हैं आपकी क्यूरियोसिटी पे, आपकी जील पे कि आप कितना उसके अंदर एफर्ट्स डालेंगे, कौन से आप इंस्टीट्यूट्स चूज कर रहे हैं, कितनी मेहनत करके आप कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, सो ये सब चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं। ओके सो इस तरह से काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आप लोगों के लिए यहाँ पे खुल जाते हैं। इसके बाद में अगर आप इस तरह का एक अच्छा करियर चूज करते हैं जिसके अंदर अच्छी लेवल की रिसर्च हो रही है, या फिर जिसके अंदर फ्यूचर में अच्छा स्कोप है, इस तरह का कोई एरिया आप चूज करते हैं तो आपका जो करियर है ज़्यादा स्टेबल होगा, अच्छा ग्रोथ वाला करियर आप बना सकते हैं। ओके सो इस तरह से नेटवर्किंग आपकी हो सकती है अच्छे लोगों से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, जब आप इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। सो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से सीएसआर नेट का एग्जाम आप लोगों के फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नाउ टीचिंग में भी अगर आप जाते हैं, अगर आप एमएससी के बाद में डायरेक्टली एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो भी आप कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, दूसरे प्रोफेसर से आपको मिलने का मौका मिलता है, आपको और आइडियाज़ मिलते हैं जिससे कि आप रिसर्च प्रपोजल्स दे सकते हैं, और रिसर्च प्रपोजल्स जब आप डीबीटी या फिर इस तरह के किसी इंस्टीट्यूट को आप देते हैं, इस तरह के किसी बॉडी को आप देते हैं तो आपका अगर अच्छा रिसर्च प्रपोजल होता है तो आपको फंडिंग वो लोग देते हैं, जिससे आप अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं, अपना कोई नया प्रोडक्ट आप बना सकते हैं जिसको पेटेंट करवा सकते हैं। सो इस तरह के काफ़ी सारे स्कोप्स हैं जो आप लोगों के लिए इस एग्जाम के थ्रू जब आप इन फील्ड्स में एंटर करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारा एक पूरा का पूरा एक वाइडर एरिया आप लोगों के लिए ओपन हो जाता है, जिसमें आप अपने पर्सपेक्टिव से अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको चूज करके उसके अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग एमएससी प्रीवियस में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है कि अगर आपने अभी सोचा है आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप एमएससी कर रहे होते हैं तो प्रीवियस और फाइनल में जो आपके पेपर्स हैं उससे काफ़ी कुछ सिमिलर ही जो टॉपिक्स हैं सीएसआर नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो अगर आप वहीं से ही सोच के चलें कि मुझे सीएसआर नेट का एग्जाम प्रिपेयर करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो आपके एमएससी के जो पेपर है उसको प्रिपेयर करने में भी, सॉलिड बनाने में बहुत आपको हेल्पफुल होगा, और साथ साथ में आपका सीएसआर नेट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और जो बच्चे एमएससी कर भी चुके हैं उनको भी अगर 5-7 महीने का या 10 महीने का टाइम वो निकाल सकते हैं तो वो टाइम ज़रूर उनको देना चाहिए, बिकॉज आपका करियर एक अच्छा करियर बनाने के लिए ये टाइम आप लोगों के लिए वर्थ इट होगा। अगर आपका जील उतना ज़्यादा है और आपका इंटरेस्ट है इन फील्ड्स के अंदर तो डेफिनेटली आपको इस एग्जाम को ट्राई करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएसआई नेट एग्जाम, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर नहीं है और आपने एमएससी के अंदर ज़्यादा स्टडीज़ में डीपली नहीं पढ़ा है तो उस केस में आपको कम से कम 10 महीने से 1 साल का टाइम लेके चलना चाहिए। बट अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने एमएससी टाइम पे भी अपने जो टॉपिक्स हैं अच्छी बुक से पढ़े हैं, आपके जो टीचर्स थे उनसे आपका उतना अच्छा आपको समझा दिया है तो उस कंडीशन में 6 महीने तक का टाइम आपके लिए काफ़ी होगा। सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टाइम फैक्टर। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप टाइम फैक्टर डिपेंडिंग ऑन योर
स्टार्टिंग लेवल कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। सो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का जो टाइम है आप लोगों को लगेगा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो पहली बात तो ये है, टाइम फैक्टर आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपको बहुत अच्छा डिसिप्लिन और रेगुलर वे के अंदर आपको अपने जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। नाउ कंटिन्यूअसली आपको जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको बहुत डीपली पढ़ें, और कोशिश करें कि जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो अच्छे फॉरेन ऑथर्स की रेफरेंस बुक्स आती हैं, उनके अंदर से जो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को आप वहाँ से थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करें। तो वहाँ पर जो भी एस्पेक्ट्स हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, या फिर जो भी और जेनेटिक लेवल पे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाए होते हैं, जिससे आपको टॉपिक डीपली और बहुत इजीली समझ में आ जाता है, और उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। सो जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो रेफरेंस बुक्स आपकी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड आप लोगों के लिए जो फैक्टर है वो ये रहेगा। थर्ड फैक्टर इज जो आपको ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करने चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन से काफ़ी अच्छी जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आप मिल करके बना सकते हैं, मिल करके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, रादर देन चिट चैटिंग विद योर फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर करियर। और जब आप अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके माइंड में हर टाइम टिक, जो एक क्लॉक है वो टिक टिक करती रहनी चाहिए, दैट आई हैव लिमिटेड टाइम, रादर देन वेस्टिंग इट मुझे इसको यूटिलाइज करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करके। सो जब आप इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन से टॉपिक्स को समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा सो नेक्स्ट इज इंट्रैक्शन विद योर फ्रेंड्स, इंट्रैक्शन विद योर फ्रेंड्स, और इसके साथ में आपको कुछ स्ट्रैटेजीज ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, जिसके अंदर जब आप अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो सिलेबस के अंदर जितनी चीज़ें दी हुई हैं, नाउ ओवरऑल अगर हम पेपर को डिस्कस करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस उसमें से करने हैं। सो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, और उसका रीज़न वही है क्योंकि काफ़ी सारे फील्ड्स जो हैं, डिफरेंट एरियाज, वो सभी सब्जेक्ट्स इस एक ही पेपर के अंदर कंपाइल कर दिए गए हैं। सो ये बच्चों के लिए भी थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं। नाउ आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स आप चूज करके और उनके बारे में, लेकिन जो आप टॉपिक्स चूज कर रहे हैं, अगर आपने लिमिटेड टॉपिक्स चूज किए हैं तो उसको आप इतना डीपली पढ़ें कि उसके अंदर कुछ भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको समझने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं या आप किसी मेंटोर से भी अपना कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो उस कंडीशन में अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके हैंड रिटन, ठीक है। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, और खुद बनाएं, अपने दोस्तों से बोरो ना करें ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इनको। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि एक तो वो चीज़ आपको ध्यान रहती है क्योंकि आपने लिखी है, सो वो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी जाके फिट हो जाती है, वो ज़्यादा आपको याद रहती है जो चीज़ आप लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आराम से जो टॉपिक आपको पूरे बुक्स के पन्ने पलटने की बजाय, या जो आपके बड़े नोट्स हैं, जो ओवरऑल आपके मेन नोट्स हैं उनको सभी को पढ़ने की बजाय, अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो ये रिविजन के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये स्ट्रैटेजीज आप बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है इस एग्जाम के लिए वो है आपका टाइम फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू 3 आवर्स ऑफ दैट एग्जाम, कि वो 3 घंटे में आपको किस तरह से इस पेपर को कवर करना है। ये कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, PYQs की प्रैक्टिस ज़रूर करें। PYQs प्रैक्टिस से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और सभी PYQs को सॉल्व नहीं करना है। एक्चुअली आपके एग्जाम में जैसे सेक्शन सी है उसमें 75 क्वेश्चंस है, उसमें से 25 ही करने होते हैं 3 घंटे के टाइम में। सो आप कोशिश करें कि वो 3 घंटे का टाइम सेट करके उतने ही 25 क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। सो ये तो PYQs प्रैक्टिस होगी कि कंप्लीट पेपर जब आप कर रहे हैं, उसके अलावा जब आप हर एक टॉपिक कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ साथ में जरूर प्रैक्टिस करें। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई वुड सजेस्ट
प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो इससे दो प्रॉफिट्स आपको होंगे, क्या क्या? पहला तो ये कि आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से वाले जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, किन का जो वेटेज है वो ज़्यादा आता है पेपर के अंदर, पहली बात तो ये। और सेकेंडली आपका जो टॉपिक है वो जब आप एक तो बुक से या फिर जो आपका कंटेंट दिया हुआ है उससे पढ़ रहे हो, और दूसरा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उस टॉपिक को समझ रहे हो, तो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते करने के साथ में टॉपिक को समझ रहे हो तो उसमें आपको वो टॉपिक ज़्यादा ईजिली, ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ये समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चन सीएसआई नेट के अंदर बन रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ऑलराइट। और इसके अलावा जो आपका एक सेक्शन ए है जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी कंटिन्यूअसली टाइम दें, डेली कम से कम हाफ एन आवर उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये भी आपके स्कोर के अंदर काफ़ी एड ऑन करता है। अगर आप एक साथ में पढ़ने बैठेंगे तो वो मुश्किल होगा, बट डेली आधा आधा घंटा देना कोई मुश्किल काम नहीं है। डेली कुछ क्वेश्चंस ले लें, 10-15-20 क्वेश्चन डेली के आपको सॉल्व करने हैं, ये टाइम सेट करके, और उन क्वेश्चंस की भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, सेक्शन ए की भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। गाइज, इस तरह से सीएसआई नेट का एग्जाम आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसका दूसरा बेनिफिट एक और ये भी है कि जब आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ में और भी एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके अंदर भी काफी सारे टॉपिक्स जो है सीएसआई नेट जैसे सेम होते हैं। उसके अलावा गेट का जब आप एग्जाम देते हैं, गेट का जो सिलेबस है और सीएसआई नेट का जो सिलेबस है वो काफी कुछ मैच करता है। वहां पे गेट के थ्रू भी आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर पीएचडी करने का आपको मौका मिल सकता है। इस तरह से आप लोगों के लिए ओवरऑल एक काफी अच्छा एग्जाम है। अगर आप एमएससी कर रहे हैं या एमएससी कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं सीएसआई नेट एग्जाम देने का, तो ये कोई ये जो एक बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों के लिए हो सकता है, आपके करियर के लिए एक तरह से बूस्टर की तरह काम कर सकता है। आपको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। गाइज, अगर आप हमारे साथ इसकी प्रिपरेशन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे कंप्लीट कोर्स आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। हमें ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।